सो हाई एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो मोलिक्यूल्स पे तो सबसे पहले बायो मोलिक्यूल्स होते क्या हैं बायो मोलिक्यूल्स बायो का मतलब लाइफ मॉलिक्यूल्स तो वो मोलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में प्रजेंट हैं या फिर लिविंग सेल्स में प्रजेंट है उनको कहते हैं बायो मोलिक्यूल्स फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल सेल हुए प्लांट सेल हुए जो कि लिविंग है उनके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं सिंपल ठीक है तो इनके फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जितनी भी डे टू डे हम जो एक्टिविटी करते हैं हमारी बॉडी जो परफॉर्म करती जितनी भी एक्टिविटीज़ वो इन्हीं की वजह से होती है फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं लिपिड्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं फैटी एसिड्स हैं वाइटाम्स हैं मिनरल्स हैं एन्ज़ाइम्स हैं प्रोटीन्स हैं अमाइनो एसिड्स हैं इन सब को कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स तो जो भी हमारी डाइट हम लेते हैं जैसे फ्रूट्स हम लेते हैं हम कहते हैं कि इसमें सर्टेन वाइटमिन हैं ठीक है या फिर हम सीरियल लेते हैं उसमें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर मीट वगैरह उसके अंदर फैट्स होते हैं या प्रोटीनस होते हैं फिश में तो वो हम इनटेक करते हैं तो वहाँ से भी हम जो हैं ये जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स है, है इन्हील करते हैं इनटेक करते हैं और ये जो है काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में जितने भी लिविंग सेल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हो प्लांट कोई भी लिविंग सेल्स हो उसके अंदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बट उससे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले जो बायोमोलिक्यूल्स है उसका थोड़ा सा हम स्लाइट एक क्लासिफिकेशन देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप्स का है ठीक है और फिर उसके बाद हम जो हैं सेपरेट जो है जैसे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स फैटी एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं बायो का तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स है बायो दो टाइप्स के हैं एक तो हो गया ऑर्गेनिक दूसरा हो गया इन ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बने होते हैं इन छह एलिमेंट से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस, सल्फर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम उनको कहेंगे जो इन छह एलिमेंट से बना हो कौन कौन से बने होते हैं जैसे आ, प्रोटीन्स हुए कार्बोहाइड्रेट्स हुए फैटी एसिड्स हुए एंजाइम्स हुए न्यूक्लियोटाइड्स हुए न्यूक्लियोटाइड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं जो हमारा डीएनए आरएनए है उसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड तो ये सब जो है इनको हम ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है इनका जो कंपोजिशन है वो इन छह इम्पॉर्टेंट एलिमेंट से बना होता है हो गया ऑर्गेनिक का अब हम नेक्स्ट आते हैं इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो एक सबसे पहले आता है मिनरल्स जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर लिविंग सेल्स के लिए और वाटर वाटर एच टू ओ अब मिनरल्स में भी एक तो हो गया प्लांट्स के लिए प्लांट्स के लिए एसेंशियल मिनरल्स ठीक है ये टाइप है और नंबर सेकेंड टाइप जो है मिनरल्स की वो है एनिमल्स की जो कि एसेंशियल एसेंशियल मिनरल्स इन एनिमल सेल्स एंड एसेंशियल मिनरल इन प्लांट सेल्स तो वाटर तो है ही इंपॉर्टेंट तो अब हम देखते हैं प्लांट के जो एसेंशियल मिनरल्स है वो कौन से हैं और एनिमल के एसेंशियल मिनरल्स वो कौन से हैं ठीक है तो अब हम देखते हैं प्लांट्स में कौन कौन से एसेंशियल मिनरल्स हैं जिनको आ, प्लांट सेल्स को काफ़ी ज़रूरत होती है और ये परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शन इवन एंजाइम को एक्टिवेट करने में एंजाइम को काम करने में भी ये हेल्प करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी जो प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे अगर हम वेजिटेबल्स देख लें कुछ उनमें अगर किसी एक मिनरल मान लो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से एक पर्टिकुलर जो है उनमें एक डिजीज़ डेवलप होती है या फिर किसी और बोरान की वजह से कुछ और उनमें डेवलप होता है तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट्स के लिए कौन कौन से नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीज जिंक बोरान मैग्नीशियम ठीक है ये सब जो है एसेंशियल मिनरल्स हैं प्लांट्स के लिए तो सेम जो है एनिमल्स में भी जो है मिनरल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कैल्शियम मैग्नीशियम फॉसफोरस आयोडीन पोटाशियम आयरन सेलिनियम मैग्नीज़ एंड जिंक तो ये हो गए इम्पॉर्टेंट एसेंशियल मिनरल्स अब हम देखते हैं कि इसके बगैर भी जो विटमिनस है हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन ए बी, विटामिन डी ई के ठीक है तो इनके बारे में आपने सुना ही होगा विटामिन के बारे में तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ये भी विट ये भी बायो मोलिक्यूल्स है ये सब बायोमोलिक्यूल्स के अंडर आते हैं बट कौन से इनऑर्गेनिक बायोमालिक्यूल्स तो अब जो मैंने आपको बताए ये जो इम्पोर्टेंट uh, मैंने आपको बताए uh, जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में एलिमेंट्स होते हैं तो इनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है लिविंग सेल्स में कार्बन जो है सबसे ज़्यादा होता है इसकी कम्पोजिशन सबसे ज़्यादा होती है फिफ्टी परसेंट फिर ऑक्सीजन इसकी ट्वेंटी परसेंट फिर हाइड्रोजन टेन परसेंट नाइट्रोजन एट पॉइंट फाइव परसेंट फॉसफोर्स टू पॉइंट फाइव परसेंट एंड सल्फर ज़ीरो पॉइंट एट परसेंट तो अगर हम किसी आ, सेल का जो अगर हम ड्राई वेट निकालेंगे तो 90 परसेंट से ज़्यादा जो ड्राई वेट होगा वो इन्हीं की वजह से होगा 90 परसेंट से ज़्यादा जो ड्राई वेट होगा वो इनकी वजह से होगा तो अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं चार पांच है बायोमोलिक्यूल्स की तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट इज ये जो है बायो मोलिक्यूल्स मोस्ट ऑफ द बायो क्या होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स जो हैं सबसे ज्यादा कौन से हैं ऑर्गेनिक होते हैं तो ऑर्गेनिक मैंने आपको बताया कि जिनका कंपोजिशन उन छह इंपॉर्टेंट एलिमेंट से बना होता है ठीक है नंबर सेकेंड इज़ इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्री होता है अब ये थ्री स्ट्रक्चर क्या होता है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो ऐसे तो हमें नज़र नहीं आएंगे तो हम हमें ये थ्री नज़र आएंगे अब देखो थ्री क्या होता है वन डी का मतलब होता है मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की ये वन डी हुई इसमें एक ही डायमेंशन है दैट मीन्स ये लेंथ लेकिन अगर मैं थ्री की बात करूँ अगर मैं थ्री की बात करूँ ये थ्री डी है इसमें हाइट भी है इसमें जो है ये वाला पोर्शन भी नजर आ रहा है मतलब थ्री डायमेंशन में नजर आ रहे हैं लेंथ हाइट ब्रेड ठीक है ये थ्री डी है या फिर ये मार्कर है ये भी थ्री डी है इसमें तीन डायमेंशन नजर आ रहे हैं लेंथ ब्रेड और हाइट तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्री डी होता है इन सब बायोमोलिक्यूल्स का नंबर थ्री इनके अंदर प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप्स ये आपको केमिस्ट्री में है ये इसमें फंक्शनल ग्रुप जैसे ओ एच एल्कोहलिक ग्रुप सी एच ओ एल डी हाइड ग्रुप मतलब जो ग्रुप जिस किसी के साथ लगा होता है तो वो उसका वैसा ही वो कैरेक्टर वो बन जाता है अगर ओ एच OH लगाओ तो एल्कोहलिक कैरेक्टर सी एच ओ तो एलडीहाइडिक कैरेक्टर ठीक है तो अगर इस तरह का हो तो आई थिंक कीटोनिक टोनी करेक्टर बन जाता है ठीक है तो इनके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है जो इसको एक प्रोमिनेंट फीचर देते हैं तो अब हम देखते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स ग्रो कैसे करते हैं वो इन्हीं केमिकल रिएक्शन से ग्रो करते हैं इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है बॉन्ड्स है, बनाते हैं दूसरों के साथ रिएक्ट होते हैं उस तरह से ग्रो होते हैं तो ये था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ़ uh, बायोमोलिक्यूल्स इसमें हमने जो है ब्रीफ क्लासिफिकेशन पढ़ी और हमने पढ़ा अबाउट uh, uh, इसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे आई थिंक प्रोटीन्स या फिर फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स uh, के बारे में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर